गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए. एक था क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया आपने. क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आंसर्स आए बताइए. दोनों लीज ऑप्शन वाला क्वेश्चन है क्या ये? इसमें जब आपने फर्स्ट ऑप्शन को कंसिडर किया जहां लीज पीरियड 18 ईयर्स है और इनिशियल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट 2 लाख रुपए है, तो उसका आंसर क्या आया? फाइव डबल फोर वन फाइव डबल फोर वन 48. और सेकेंड ऑप्शन 585 587. फाइव लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड आ रहा है. 500. So which option is better, first or second? First. Obviously first is better. बताइए कोई डाउट है इसमें आपको? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर IRR पढ़ रहे थे हम लोग कल. ये सब लोगों ने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? क्या पहला वाला आंसर आ गया है? दूसरा आंसर नहीं आया तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी. पहला लीज रेंट कितना लिया आपने? 1 लाख. दूसरा कितना है? 1,10,000. तीसरा कितना? 1,21,000. 1,21,000. और चौथा कितना है? 1,00,000. सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए. 1,33,100. बस इसकी डिस्काउंटिंग कर लो. इसकी डिस्काउंटिंग कर देनी है ही आपको. बताइए पहले 4 साल का फैक्टर कितना है? 2.690. चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूं अगर आप लोगों को सॉल्व करते नहीं आया है तो. 1,00,000 × 2.690. 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.387. फिर 1,21,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.715. फिर उसके बाद में 1,33,100 मल्टीप्लाइड बाय 0.369. टोटल कितना आ जाता है? एक और है, 1,46,400. ये केवल 2 साल का फैक्टर लगेगा. 17 और 18 कितना है फैक्टर? 0.1108, मतलब 111 मान लो. टोटल कितना आ जाता है? 5,73,500 अप्रोक्सीमेटली.
बताइए आपका आंसर क्यों गलत आया, कहां गलती थी इसमें? हाँ, पूरे 18 साल की टेबल बना के किया तो कोई ना कोई फैक्टर गलत ले लिया होगा बेटा आपने, कोई फिगर गलत ले लिया होगा। फिगर चेक करके बताओ पहले, फिगर सारे सही है कि नहीं? फिगर सारे सही है ना, और उसके बाद आपका आंसर गलत है, मतलब आपने कोई फैक्टर गलत लिया है। मैं आपको 18 साल के फैक्टर बोल के बता देता हूँ, आप चेक करो। 1 divided by 1.18 इक्वल टू, क्या पहला फैक्टर 0.847 लिया है, 0.718, 0.608, 0.515, ये राउंडेड ऑफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ डिजिट्स बोल रहा हूँ, 0.437, ये कौन से ईयर का फैक्टर है? सिक्स्थ ईयर का। 0.370 सेवेंथ ईयर, 0.314 एट्थ ईयर, 0.266 नाइन्थ ईयर, ये गलत है? सही है। 0.225 टेंथ ईयर, 0.191 इलेवेंथ ईयर है, इलेवेंथ ईयर का 0.191, टेंथ ईयर का 191 लिखा है आपने, बस। तो आपने फैक्टर एक मिस कर दिया और उसके बाद वाले फैक्टर लिखना शुरू कर दिए, एक इक्वल टू एक्स्ट्रा प्रेस कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, उसको ठीक करो। ये वाला भी करके दिखाई देता हूं, अब ज्यादा क्या बचा है, करूं इसको सॉल्व? हाँ लो, इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला लीज रेंट कितना? 60,000। दूसरा कितना? 66,000। तीसरा 72,600। चौथा 79,860। नेक्स्ट 87,846। और शुरुआत में आउटफ्लो कितना? 2 लाख। हाँ जी, ये सही है ना, तो फिर गलत क्या करा आपने? हाँ, कल हमने डिस्कस किया था ना बेटा, फिफ्थ ईयर ऑफ टेनेंसी में बढ़ना है, यानी 4 साल एक जैसा रहेगा और पांचवें साल में बढ़ जाएगा। अब अगर आपने 5-5 साल में बढ़ा लिया है तो गलत है, 4-4 साल के ब्लॉक बनेंगे, 4 साल फिर 4 साल फिर 4 साल फिर 4 साल, 16 साल हो जाएंगे और फिर 2 साल। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और टोटल लगा लो। मल्टीप्लाई करके दिखाऊं कैसे करते हैं? नहीं, फैक्टर निकाल के दिखाऊं कैसे निकालें? ऑल राइट, बोलिए इसमें कोई डाउट है आपको, रेज योर हैंड फॉर एनी प्रॉब्लम। ऑल राइट, कल हमने IRR पढ़ा था और हमको एक लर्निंग आई कि अगर केवल आउटफ्लोज दिए हैं तो IRR कैलकुलेट नहीं हो सकता, केवल इनफ्लोज दिए हैं तब भी IRR कैलकुलेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इनफ्लो और आउटफ्लो दिए हैं दोनों, तो ही IRR निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, लीज ऑप्शन, 5 साल की लाइफ है, हर साल लीज रेंट 1,00,000 रुपए है, 40% टैक्स बेनिफिट है, तो 1,00,000 रुपए का लीज रेंट, 40,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट, तो नेट इनफ्लो कितना हो गया, नेट आउटफ्लो कितना हो गया? 60,000। 60,000 के आउटफ्लो है कितने साल तक? कितने साल बोले मैंने? ध्यान ही नहीं बच्चों का। 60,000 के आउटफ्लो मान लो 5 साल तक है, चलो तो 60,000 के आउटफ्लो 5 साल तक है, निकालिए IRR इसका। यू कैनॉट कैलकुलेट, वाई यू कांट कैलकुलेट? केवल आउटफ्लो है, कोई इनफ्लो तो इसमें दिए हुए ही नहीं है। ओके अब जरा इस बात को हम समझें कि ऐसे केस में हमको करना क्या होगा। अकेले लीज ऑप्शन या अकेले लोन ऑप्शन का हम इसमें IRR नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एक प्रपोजल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे लीज माइनस बाय, और एक प्रपोजल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे लोन माइनस बाय।
अगर दो प्रपोजल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और दोनों में से एक जैसे आइटम्स को माइनस कर दिया जाए तब भी क्या हमारा डिसीजन सेम रहेगा? यस और नो? यस। तो हम लीज माइनस बाय करेंगे, मतलब लीज ऑप्शन को बाय ऑप्शन से इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। अरे आईपीसीसी में आप रिप्लेसमेंट डिसीजन में करते थे ना, न्यू माइनस ओल्ड कैश फ्लो। आवाज आ रही है आपको मेरी? क्योंकि मुझे आपका कोई आवाज नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, टाइट लिप बैठे हो, हाथ की घड़ी मुंह पे उंगली। क्या आपने आईपीसीसी कैपिटल बजटिंग में कभी रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन किया है, जिसमें एक पुरानी मशीन होती है और एक नई मशीन होती है और आपको उनका कंपैरिजन करना पड़ता है? कुछ बच्चे अभी भी नो रिस्पॉन्स में ही बैठे हुए हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा? न्यू माइनस ओल्ड करते हो ना, इंक्रीमेंटल करने का वो एक स्टाइल होता है। वैसे ही कुछ इंक्रीमेंटल हम यहां पर भी कर रहे हैं, लीज माइनस बाय, लोन माइनस बाय। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि अकेले लीज ऑप्शन का हम IRR नहीं निकाल सकते। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें लिखा है सॉल्व क्वेश्चन 2 बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्वेश्चन 2 अपने नोट्स में निकाल के रखिए। नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो किसी के साथ शेयर करो, फोटो कॉपी कराओ, फोटो खींचो। हाथ पे हाथ बांध के बैठ जाने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। महंगे स्मार्टफोन लेकर के बैठे हो, फोटो खींच लो और उसमें खुद पढ़ लो फिर फोन में। हाँ जी, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को अपने सामने रखें और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को भी आप अपने सामने रखिए। $79.92 लाख का लीज रेंट था और शायद 35% का टैक्स रेट था, तो उसको आफ्टर टैक्स कर ले अगर हम लीज रेंट को, तो 79.92 लाख इंटू 0.65 करिए कितना आता है? 51.95, है ना? तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम एक कॉलम बना लेते हैं ईयर 0, 1, 2, 3। इसमें हम पहले लीज ऑप्शन के कैश फ्लो ले लेंगे। और लीज ऑप्शन के कैश फ्लो क्या ले लेंगे हम? 51.95 ना। $51.95 लाख के आउटफ्लो है लीज ऑप्शन में आफ्टर टैक्स, दैट्स इट। अब हम एक लोन नहीं बाय ऑप्शन की बात करते हैं। बेटा बाय ऑप्शन का पता है क्या मतलब है? कि आप असेट अपने खुद के पैसों से खरीद लें, कोई लोन ना लें। अगर आप असेट अपने खुद के पैसों से खरीदेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में असेट की कॉस्ट देख के बताइए, 180 लाख है। तो 180 लाख का क्या होगा असेट खरीदने का आउटफ्लो? लिसन, आपने अपने खुद के पैसों से अगर असेट खरीदिए तो आप कोई लोन नहीं लेंगे, ना आप लोन इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, ना आपको इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर।
तो आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट। क्या आप खुद के पैसों से एसेट खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट मिलेगा? हाँ डेफिनेटली। तो जरा डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट अपने क्वेश्चन टू में से देख के बताइए जो आपने पहले सॉल्व कर रखा है। ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू, फिफ्टीन पॉइंट वन टू, नाइन पॉइंट जीरो सेवन। लेकिन अगर आप असेट खुद खरीदेंगे तो आपको सेल्वेज वैल्यू का एंटाइटलमेंट भी होगा, लास्ट में आपको सेल्वेज वैल्यू मिलेगी, वो कितनी है 18 लाख। और जो कैपिटल लॉस होगा उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो क्वेश्चन टू के सॉल्यूशन में जरा आप देखें कि टर्मिनल कैश फ्लो कितने रुपए था प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले, 25.31 था क्या, जरा चेक करो। इसमें से 18 लाख तो आपको क्या मिला था, सेल्वेज वैल्यू, और 7.01 कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट। इज इट? तो अगर आप असेट खुद खरीदते हैं तो ये सारे कैश फ्लोस का आपको सामना करना पड़ता है, ये सारे कैश फ्लो मिलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली लीज माइनस बाय, लीज माइनस बाय करते हैं। जीरो माइनस माइनस 180, बताइए कितना होगा, प्लस 180। माइनस 51.95 माइनस 25.2, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा या नेट हो जाएगा? नेट हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा करना। माइनस 51.95 माइनस 25.2, तो माइनस माइनस ऐड होगा कि नेट होगा? ऐड हो जाएगा। कितना होगा, 77.15। और यहां पर कितना होगा, 67.07। अब ये जो कैश फ्लो आ गए क्या इससे आईआरआर निकल सकता है? कैन यू कैलकुलेट आईआरआर फॉर दिस कॉलम, यस और नो? बिकॉज यू हैव एन आउटफ्लो, अ बिग आउटफ्लो एंड सीरीज इनफ्लो, आई एम सॉरी, एंड सीरीज ऑफ आउटफ्लोस, एक इनफ्लो बाकी आउटफ्लो। ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन करिए। हिंट ये है कि आप 11 से स्टार्ट कर लो, पहला ट्रायल 11% पर करो।
अगर 11% से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो एनपीवी कितनी आती है? ₹187.06. तो आउटफ्लोस का टोटल आया होगा और फिर उसमें इनफ्लो ऐड कर दिए 180, तो -7.06, यही ना। अब चूंकि आउटफ्लोस ज्यादा हो रहे हैं तो रेट को बढ़ा लेते हैं हम, ताकि आउटफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाए। ट्वेल्व% पर एनपीवी बताओ कितनी आती है? पॉजिटिव है, माइनस है। यू वांट टू से ये -183 आ रहा है, -183.80 +180 कितना आ गया? 3.80। ओहो हो, अभी भी जीरो नहीं आ रही है एनपीवी, रेट को बढ़ानी पड़ेगी। 13 पे भी माइनस ही है, प्लस है, तो 11% पे हमने ट्रायल शुरू करके अच्छा नहीं करा। 13% पर -0.63 और 14% पर -2.4645। बेटा जिन बच्चों का ये प्लस आ रहा है वो जरा अपने प्लस माइनस साइन पे थोड़ा ध्यान दे ना। जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं वो आउटफ्लोज हैं और जो 180 आप ले रहे हैं वो इनफ्लो है। इंटरपोलेशन करके बताइए रेट कितना आता है? 13.0।
अब जरा बताइए ये 13.20 हमारी इनकम है या कॉस्ट है? बेटा उस 13.20 की तरफ आप 10 मिनट तक भी देखोगे तो नहीं मालूम पड़ेगा कि वो इनकम है कि कॉस्ट है। इन कैश फ्लो की तरफ देखो और जरा बताओ कि जो IRR निकला है वो हमारी इनकम है या कॉस्ट है। कुछ बच्चों ने तो कसम खा के आए घर से, कुछ नहीं बोलूंगा क्लास में। अरे कोई पुलिस रिमांड थोड़ी है जो कुछ उगलोगे नहीं, आप कितने डंडे पड़े। बताओ इनकम है कि कॉस्ट है? कॉस्ट है ये। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमको पैसा मिला है और बाद में हमने पैसा चुकाया है। और पैसा मिला है कितना? 180। और चुकाया है कितना? जरा इसके ऐसे ही रफ टोटल देख लो, 230 के आसपास हमने चुकाया है। मिला 180 और फिर हमने पे किया 230। जितना मिला उससे ज्यादा चुकाया, तो कमाया है हमने नेट या चुकाया है नेट? चुकाया है। तो ये 13.20% इनकम है या कॉस्ट है? कॉस्ट है। मतलब अगर हम असेट खरीदने की जगह पर लीज पर ले लें, देखो इसका इंटरप्रिटेशन समझो। आप असेट खरीदने जा रहे थे, किसी ने बोला अरे पागल है खरीदता क्यों है, किराए पे ले ले। बोले क्यों, उससे क्या होगा? बोले देख अगर तू खरीदेगा तो 180 लगेंगे, लेकिन लीज पे लेगा तो कुछ नहीं लगेंगे, तो तेरे 180 लाख बचा लिए मैंने। बोले हाँ ये बात तो सही है, अगर मैं असेट किराए पे ले लूं। अरे आप 1 लाख रुपए की बाइक खरीदने जा रहे हो, वो किसने बोला मत खरीद किराए पे ले ले, तो 1 लाख रुपए आपके सीधे बच गए। लेकिन फ्यूचर में अब फर्स्ट ईयर में अगर आपने असेट खरीदी होती तो आपको 25.2 मिलता किस चीज के लिए? टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। मिला तो नहीं बल्कि उल्टे आपको देना पड़ गया कितना? 51.95 लेने के देने पड़ गए। जो मिल रहे थे वो तो मिले नहीं, तो वो तो नुकसान हो ही गया 25.2 का, क्योंकि मैंने एसेट खरीदी नहीं, और 51.95 नेट देने पड़ गए एक्स्ट्रा। तो ये नुकसान और ये देने पड़ गए मिला के असेट लीज पे लेने का नुकसान कितना हो गया? 77। और अगले साल नुकसान कितना हो गया? 67। और अब ना तो डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ना सैलवेज वैल्यू मिलेगी, ना कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो सारा नुकसान। और लीज रेंट मिला के नुकसान कितना हो गया? 86। एक बार 180 लाख आपने बचा लिए तो उसके बदले में 77, 67 और 86 लाख आपको लगाने पड़ गए। तो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई लीज की बजाय, लोन खरीदने की बजाय एसेट लीज पे लेने की? 13.20%। इसी टाइप से हम लोन ऑप्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। लोन ऑप्शन के जो भी नेट कैश फ्लो है उसको एक कॉलम में लिख लेंगे, फिर बाय ऑप्शन के कैश फ्लो तो यही रहेंगे जो इस कॉलम में लिखे हुए हैं। तो जैसे लीज में से हमने बाय माइनस कराए, ऐसे लोन में से क्या माइनस करेंगे? बाय, और उसका IRR निकालेंगे। पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट कितना था इस क्वेश्चन में, या मेहनत करवाऊं मैं आपसे पहले? मजा नहीं आता है लाइफ में, सीधे शॉर्टकट आ जाए तो उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। पहले मेहनत फिर शॉर्टकट करके देखते हैं। चलो लोन ऑप्शन में आप मुझे बताओ, बनाओ एक कॉलम, आप वापस टेबल बनाओ एक। लोन ऑप्शन में जीरो ईयर पे कोई कैश फ्लो नहीं था? अरे लोन ऑप्शन की टेबल देखो ना, स्टेप नंबर 1 एनुअल कैश फ्लो। नहीं मिली टेबल, उसमें नेट कैश फ्लो का कॉलम होगा ना टैक्स बेनिफिट के बाद। हाँ पहले साल कितना था नेट कैश फ्लो? 45.55 और दूसरे साल 58.66 और तीसरे साल 68. लेकिन टर्मिनल कैश फ्लो के नाम पे इनफ्लो कितना था? 25.31 था क्या? यस और नो? 25.31 इसमें भी है,
दोनों में आ गया, हाउ इज इट पॉसिबल? लोन ऑप्शन में भी आप असेट के ऑनर हैं क्योंकि आप असेट खरीद रहे हैं, और बाय ऑप्शन में भी आप असेट के ऑनर हैं क्योंकि वहां भी आप दोनों में ही असेट खरीद रहे हैं, इसमें खुद के पैसों से और इसमें लोन के पैसों से। आप मेहनत कम करना चाहते हैं तो इसको काट दीजिए क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकाल लेते हैं। प्लस 180 और 80 70.75 73.78 और तीसरे साल में 77.32। चलो पहला ट्रायल 11% पे करो। इलेवन परसेंट भी शायद नेगेटिव आएगी एनपीवी। इलेवन परसेंट पे नेगेटिव है एनपीवी, तो फिर 12% अटेम्प्ट करो। वन एटी पॉइंट वन फाइव आ रहा है ना, तो नेगेटिव ही तो हुई एनपीवी। ठीक है, अच्छा यू वांट टू से कि 11 और 11.1 ही ले लें, नहीं पर वो इंटरपोलेशन तो करके दिखाना पड़ेगा। एक 11 फिर एक 12, 11.0 रहा है क्या? फाइनली आईआरआर 11.05 आएगा। अब 11 और 12 के बीच इंटरपोलेशन करेंगे तो
देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये पहले वाला क्लियर है, लीज माइनस लोन वाला वो भी नहीं। हम एक बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जैसे लोन ऑप्शन वाला कॉलम आप सब लोग देखिए, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन को। लोन ऑप्शन में जब हमने पहले सॉल्व किया था तो ये सारे कैश फ्लोज थे 45 लाख, 58 लाख, 68 लाख, और फिर टर्मिनल इनफ्लो था 25.1 लाख। अब कोई हमको बोले कि ये लोन ऑप्शन है कॉलम नंबर वन और इसका IRR निकाल दो। अब IRR इज द डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। आप देखें इसमें फर्स्ट ईयर में आउटफ्लो है, सेकेंड ईयर में आउटफ्लो है, थर्ड ईयर में आउटफ्लो इनफ्लो दोनों है, तब भी है नेट आउटफ्लो। तीन आउटफ्लो आपको दे दें और बोले IRR निकालो, तो आप किसी भी रेट से डिस्काउंटिंग करो, इसको इनफ्लो के बराबर कैसे लाओगे, क्योंकि इनफ्लो तो है ही नहीं। तो अगर हम इसको IRR मेथड से करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे, हमको इंक्रीमेंटल बेसिस पर सॉल्व करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल मतलब अकेले लोन ऑप्शन का IRR नहीं निकलेगा, बाय की जगह लोन ऑप्शन अगर होता तो जो कैश फ्लो आएंगे उसका IRR निकलेगा। कि असेट मैंने खुद के पैसों से खरीदने की जगह लोन लेके खरीद ली तो क्या इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हो गए? पहली बात 180 लाख पूरे बच गए मेरे, क्यों? क्योंकि लोन ऑप्शन में तो कोई कैश फ्लो होता नहीं है, और बाय ऑप्शन में कैश फ्लो कितना होता है 180। खुद के पैसों से खरीदेंगे तो 180 लाख का क्या होगा? आउटफ्लो। लोन ऑप्शन में जाएंगे तो वो पैसा लोन से मिल जाता है। इंक्रीमेंटल में आप देखें कि आपने असेट खरीदने की जगह लोन कर लिए तो 180 लाख का नेट आपके लिए क्या है? इनफ्लो। और ऐसे तीन आगे क्या है? आउटफ्लो। अब इसका जब आपने ट्रायल एरर इंटरपोलेशन किया तो जो आंसर आया कितना आया जरा बताएंगे एक बार फिर से? 11.05%। ये लोन ऑप्शन का कॉस्ट है आपके लिए, और इसका शॉर्टकट में बताता हूं तो आपको एक मिनट में भी समझ में आ जाएगा। लोन ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट कितनी है? 17%। ठीक है, 17% इंटू 0.65 करिए। ये 0.65 क्या है? 1 माइनस टैक्स रेट है। तो 17 इंटू 0.65 कितना आ गया? 11 पॉइंट। करिए, आप क्यों नहीं कर रहे? 17 इंटू 0.65, कैलकुलेटर नहीं है उधर? ब्लैक टी शर्ट हाँ है, ओके। 17 इंटू 0.65 करेंगे कितना हो जाएगा? 11.0। इनको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लोन ऑप्शन का IRR उतना ही होगा जितना उसका KD है। और ये सारी बातें हटा दो, लीज लोन CA फाइनल SFM सब कचरे के डब्बे में डालो। इतनी सी बात सोचो कि आपने लोन लिया है 17% पे, हालांकि टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, तो लोन किस कॉस्ट पे पड़ता है आपको? 11.05। अब कोई पूछ रहा है आपसे, अरे लोन ऑप्शन की कॉस्ट कितनी है? 11.05। ओके, वैसे ही हमने किसकी कॉस्ट निकाली है? लीज ऑप्शन की। कि अगर हम असेट खरीदने की जगह लीज पे ले लें तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 13.20। आप खरीदेंगे तो आपका पैसा लगेगा, और आप लीज पे लेंगे तो किसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा? लेसर का। और अगर लेसर का पैसा ब्लॉक हुआ तो वो आपसे कुछ रिटर्न चार्ज करेगा, कुछ आपसे कॉस्ट चार्ज करेगा, जो उसकी इनकम होगी आपके लिए कॉस्ट। वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? 13.20%। तो लीज ऑप्शन की कॉस्ट 13.2 और लोन ऑप्शन की कॉस्ट 11.05। विच ऑप्शन इज बेटर? लोन ऑप्शन इज बेटर। ओके, लिख लीजिए, लोन इज बेटर देन लीज। एग्जाम में ये आपको, पहली बात तो एग्जाम में जहां तक मुझे याद आता है CA के पूरे इतिहास में IRR का लीज का क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल डेप्थ वाला पॉइंट है। हर पेपर सेटर के बस की बात नहीं कि इस पे वो क्वेश्चन बना दे। हाँ, कोई एक इंटेलिजेंट पेपर सेटर आया और उसने एक बार इस पे क्वेश्चन बना दिया तो फिर आगे 10 साल तक पेपर सेटर इसको देख देख के दूसरे क्वेश्चन बनाते रहेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल या कंपाइलर जो है उसी में से पेपर बन रहा है आजकल। एक गलत क्वेश्चन है,
मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो पढ़ाते समय आपको, वो गलत क्वेश्चन एक बार किसी पेपर सेटर ने बना दिया और तब से वो इंस्टीट्यूट का फेवरेट हो गया। वो गलत क्वेश्चन 6 बार पूछा जा चुका है। मैंने अपने कंपाइलर में लिखा है ये नोट स्पेशली कि ये सॉल्यूशन पूरी तरह से गलत है, लेकिन इसको याद करें क्योंकि ये बार 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 एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी ये लेटेस्ट अटेंड में भी वही गलत क्वेश्चन फिर से आया है। तो एक बार किसी ने इस पे क्वेश्चन बना दिया IRR पे, तो आगे के पेपर सेटर्स के लिए रास्ता खुलेगा। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इसमें हाथ डालने की। कंसेप्ट में डेफ्थ है और स्टडी मटेरियल में ये गलत दिया है। कहां से कोई लाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन? अभी तक नहीं आया है, उम्मीद है कि आगे भी शायद ही आए, कम प्रोबेबिलिटी। मुद्दा बहुत छोटा सा है। IRR का बेसिक जो आपका IPCC का था वही यहां लग रहा है कि आपको मिले 180 और आपके लगे ये सब, तो मिले कम और लगे ज्यादा, बचे कम और लगे ज्यादा। कितने जरा टोटल लगाएंगे, कितने लग गए? ये तीनों का टोटल 230 है, 220 है, 221 लगे आपके और बचे कितने? 180। तो जरा 221 माइनस 180 करिए, कितनी कॉस्ट है? 41। किसी ने पूछा कॉस्ट क्या है, तो आपने बोला 41 लाख। बोले नहीं, पर एनम बताओ, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 14 लाख की कॉस्ट है। पर ये अजीब बात है, कॉस्ट रुपए में नहीं चाहिए हमको, कॉस्ट किस में चाहिए? परसेंट में चाहिए। तो वो परसेंट में कॉस्ट किससे निकल के आएगी? IRR से, 11.0। आप बैंक में लोन लेने जाओ, उनसे पूछो क्या कॉस्ट आएगी, वो बोले 4 लाख रुपए साल। अरे आप बोलो मैंने लोन का अमाउंट तो बोला ही नहीं है, 4 लाख रुपए साल कैसे? फिर बैंक में FD पे ब्याज पूछने जाओ और वो रुपए बताएं तो कैसा महसूस करोगे आप? रुपए सुनना चाहोगे या परसेंट? ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें आपको एकदम से क्लिक हो जाता है। 11.05% कॉस्ट, वेरी क्लियर। लीज ऑप्शन की कॉस्ट 13.20। सो विच ऑप्शन इज बेटर? लोन। सर इतना नाटक कर रहे हैं, इससे अच्छा NPV से भी तो डिसीजन वही था। हाँ, पर IRR पढ़ना तो था, कभी एग्जाम में आ जाए तो। अदरवाइज NPV इज बेस्ट। क्या आपको याद है हमने IPCC में साबित किया था NPV इज बेटर देन IRR? वही बात यहां पे भी लगेगी। क्वेश्चन 13 अब आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 13 इज नथिंग बट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 बाय IRR। तो नए सिरे से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारा डेटा तो आपको वहीं पर से मिल जाएगा। अब हम और एक तीसरी मेथड पढ़ने जा रहे हैं लीज के इवैल्यूएशन के लिए। लिखिए आप अपनी कॉपी में, हमने NPV से डिसीजन मेकिंग किया, फिर हमने IRR से भी डिसीजन लिया। अब आप लिखें एक तीसरा मेथड, बॉवर, BOWER। हेरिंजर, HERR। INGER। विलियमसन, WILLIAM। SON। बॉवर, हेरिंजर, विलियमसन, BHW। BMW नहीं है, उनके कोई कजिन नहीं है लगता है। जितना अजीब इस मेथड का नाम है, बावर, हेरिंजर, विलियमसन मेथड, उतनी ही अजीब ये मेथड भी है। एक्चुअली इस मेथड का क्या कहना है कि आप लीज और लोन ऑप्शन का अलग अलग इवैल्यूएशन मत करो, इंक्रीमेंटल कर लो।
लीज माइनस लोन। अगर आप लीज माइनस लोन करेंगे तो लीज के कैश फ्लो के साइन वही रहेंगे जो हैं, माइनस लोन करेंगे तो लोन के कैश फ्लो के साइन पलट जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। क्या आप समझे? ऊपर से फिर दूसरी बात, ये BHW मेथड क्या बोलती है कि सारे कैश फ्लोज में एक जैसी रिस्क नहीं होती है, डिफरेंट कैश फ्लोज बेयर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, और इसीलिए सारे कैश फ्लोज की एक जैसी रेट से डिस्काउंटिंग नहीं होना चाहिए। अलग अलग कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग अलग अलग रेट से होना चाहिए। तो इन्होंने कैश फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो तीन पार्ट में डिवाइड करता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक फाइनेंसिंग कैश फ्लो और एक अदर कैश फ्लोज। तो अदर कैश फ्लोज में आ गए आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग BHW ने सजेस्ट करा कि इंटरेस्ट रेट से करना चाहिए। फाइनेंसिंग कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग किससे करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट से करना चाहिए। और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या जो भी डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में दी हो उससे करना चाहिए। ऐसा BHW मेथड में कहा गया है। तो सर ऐसा क्यों कहा ना? उन्होंने इसके पीछे लॉजिक बताया कि सारे कैश फ्लो में एक सी रिस्क नहीं होती है, तो जिस तरह का कैश फ्लो हो उस तरह की रेट से डिस्काउंटिंग करना चाहिए। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इंटरेस्ट रेट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर वही 2 और 5 है हमारे लिए, हमारे लेबोरेटरी है रिसर्च की। वो क्वेश्चन 2 पे हम क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे और 5 पर आप होमवर्क में करोगे। चलो क्वेश्चन 2 को अब BHW मेथड से हमको सॉल्व करना है। बुक में कुछ गलत लिखा है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है सॉल्व क्वेश्चन 2 बाय BHW मेथड। अच्छा कंसेप्ट में गलत लिखा है। अच्छा अच्छा फाइनेंसिंग एस्पेक्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट लिट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज एंड डिस्काउंटेड विद प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। हाँ ऑपरेटिंग एस्पेक्ट में गलत छप गया है। ऑपरेटिंग एस्पेक्ट में लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट। ये ऑपरेटिंग एस्पेक्ट में जो लिखा है ना, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट के सामने जो भी कुछ उसको काट दो, क्योंकि वो रिपीट हो गया है फाइनेंसिंग एस्पेक्ट वाला ही। और ऑपरेटिंग एस्पेक्ट में आप लिख लो टैक्स बेनिफिट ऑन लीज रेंट, माइनस टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड कैपिटल लॉस। डिस्काउंटेड विथ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं BHW मेथड से। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 हुआ ये। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 आप लिखिए फाइनेंसिंग एस्पेक्ट,
पर्टिकुलर्स और रुपीज इन लैक्स। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ असेट, कितनी है इस क्वेश्चन में, 180 लाख है क्या? उसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट। बेटा लीज रेंट था 79.92 लाख और फाइनेंसिंग एस्पेक्ट की डिस्काउंटिंग एज पर बीएचडब्ल्यू मेथड इंटरेस्ट रेट से की जाती है। किससे की जाती है? इंटरेस्ट रेट, केडी नहीं, इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट कितना है इस क्वेश्चन में? 17%। तो 17% का 3 इयर्स का फैक्टर बताइए, 2.21 है ना। इसको माइनस करेंगे हम, 176 माइनस इसलिए क्योंकि साइन ही माइनस है, 176.59। नहीं है, है? इसके बाद में हम लिखेंगे पीवी ऑफ सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू कितनी थी? 18 लाख और यहां 17% का थर्ड ईयर का फैक्टर निकाल के बताइए, 0.624 है। इसको भी माइनस करना है बेटा, 11.24। कितना आ गया नेट? -7.88। लीज माइनस लोन करने से फाइनेंसिंग एस्पेक्ट तो नेगेटिव आ गया, मतलब लीज खराब ऑप्शन है अगर आप फाइनेंसिंग एंगल से देख रहे हैं तो। अब ऑपरेटिंग एंगल से देखते हैं, बाद में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आखिर ये सब है क्या। अभी तो मैंने बोला वो फिगर आपने कैलकुलेट करके मुझे दे दिए और ये यहाँ पे लिख दिया और आप समझ रहे हो कि सर ने कैसा समझाया, समझ में ही नहीं आया। समझाया कहाँ अभी मैंने, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा। सेकंड आप लिखे ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, इसमें हमको टेबल बनानी पड़ेगी, ईयर 1, 2, 3 सारे टैक्स बेनिफिट्स आते हैं इसमें, टैक्स बेनिफिट ऑन लीज रेंट। बताइए लीज रेंट का टैक्स बेनिफिट 79.92 लाख का 35%, 27.97। फिर क्वेश्चन टू के सॉल्यूशन में से टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट
इसमें माइनस साइन लगाइए, 10.71, फिर 7.68, 4.14, फिर टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस का कहाँ अलग से कॉलम बनाएंगे, डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट बताइए 25.2, 15.12, 9.07, 9.07। देखिए लीज माइनस लोन चलता है बीएसडब्ल्यू में, मैंने आपको कहा था, तो लीज के टैक्स बेनिफिट पे तो प्लस साइन लगाया, पर लोन को आप क्या कर रहे हैं माइनस, तो इसीलिए लोन के टैक्स बेनिफिट क्या कर रहे हैं आप माइनस, चाहे वो इंटरेस्ट हो डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का था ना। और कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट कितना है 7.31 है क्या, अब नेट कर लीजिए और फिर डिस्काउंटिंग करेंगे हम वही ओवरऑल कॉस्ट से 12% से, हाँ नेट कैश फ्लो बताइए, सॉरी 7. नेगेटिव है, फिर 5.17 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है, हेरे भगवान क्या है ये, पॉजिटिव है, आर यू श्योर, चल फिर इसके बाद 7.45 पॉजिटिव है, 12% से डिस्काउंटिंग करके टोटल बताओ 2. ये फाइनल टोटल है, हाँ ऑपरेटिंग एस्पेक्ट में लीज बेहतर है, फाइनेंसिंग में लीज खराब है। स्टेप नंबर 3 नेट लीज का फाइनेंसिंग लॉस 7.83, लीज का ऑपरेटिंग एडवांटेज 2.33, लीज का नेट डिसएडवांटेज 5.5 है क्या,
सब बताऊंगा मैं, पहले ये बताओ नेट कितना है? 5.5. फाइनेंसिंग एंगल से लीज बेकार है, ऑपरेटिंग एंगल से लीज लोन से अच्छा है, लेकिन फाइनली लीज में लोन के कंपैरिजन में नुकसान है. सो डिसीजन इज लोन ऑप्शन इज बेटर. नेट डिसएडवांटेज है तो डिसीजन लिखिए. देर इज नेट, ये एक मिनट यहां पर भी लिखिए, जैसे इसमें भी आप लिखिए. इस 7.83 को आप क्या लिख सकते हैं? नेट, इसको आप लिख सकते हैं फाइनेंसिंग डिसएडवांटेज ऑफ लीज. 7.83 क्या है? फाइनेंसिंग डिसएडवांटेज ऑफ लीज. और 2.33 क्या है? ऑपरेटिंग एडवांटेज ऑफ लीज. और 5.5 है नेट डिसएडवांटेज, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए डिसएडवांटेज बोल रहा हूं. नेट डिसएडवांटेज ऑफ लीज एज कंपेयर टू लोन, नेट डिसएडवांटेज ऑफ लीज एज कंपेयर टू लोन इज 5.5. देयरफोर लोन इज बेटर देन लीज. चलो अब इस पूरी स्टोरी को समझें कि आखिर ये है क्या. एक आम आदमी के सामने अगर दो ऑप्शन रख दें कि देख, या तो तू असेट खरीद ले लोन ले करके, या फिर असेट किराए पे ले ले, तो वो प्राइमा फेसी क्या कंपेयर करता है पता है? कि लोन के इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी और लीज में रेंट कितना देना पड़ेगा. अगर इंस्टॉलमेंट कम है तो मैं लोन ले लूं, अगर रेंट कम है तो मैं लीज ले लूं. वो ज्यादा डेप्थ में नहीं सोच पाता है कि उसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे, सेल्वेज वैल्यू का क्या होगा, कैपिटल गेन लॉस का क्या होगा. आम आदमी की तरह अभी अभी आप रेडियो पे टीवी पे एडवर्टीजमेंट सुने हैं तो किराया क्यों भरना, इससे अच्छा किश्तें भरें. ऐसे होम फाइनेंस या मकान बेचने वाले बिल्डर्स एडवर्टीजमेंट करते हैं कि क्यों किराया भरें, इतने पैसे में तो मकान आपका हो जाएगा, किराया भरने की जगह बैंक की किश्त भर दो, किश्त तो किराए से भी कम आ रही है. तो लोग जनरली दो ही चीजें कंपेयर करते हैं, किश्त और किराया. इंस्टॉलमेंट कितनी, किराया कितना. किराया कम है तो लीज ऑप्शन अच्छा है, इंस्टॉलमेंट कम है तो लोन ऑप्शन अच्छा है. तो हम भी पहले क्या कर रहे हैं, मान लो हम इस क्वेश्चन में बोल दें इग्नोर टैक्सेशन. अच्छा, आम आदमी टैक्सेशन इग्नोर कर भी सकता है क्योंकि उसको टैक्स की चिंता नहीं, वो टैक्स इवेजन कर लेगा. हम अपनी मर्जी के मालिक है. अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप मजबूरी में ईमानदार हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं तो आप मजबूरी में ईमानदार हैं, आपका टीडीएस होगा, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा. लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो आप अपनी मर्जी के ईमानदार हैं, जितना टैक्स देना है उतना दो. उल्टा चलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते हैं अपने ऑफिस में, आपने देखा होगा ना, साहब ये 5,000 रुपए टैक्स भरना है, रिटर्न बना दो. इंफॉर्मेशन के नाम पे एक चीज देते हैं, 5,000 रुपए टैक्स भरना है बस, बाकी आप अपने हिसाब से बना लो. वो कितना कमा रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं. तो आम आदमी के एंगल से भी देखें तो थोड़ी देर के लिए टैक्स को अलग हटा दें. BHW मेथड ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिए, बुक्स में कच्चा पक्का सा दिया हुआ है. ये सारे क्लेरिफिकेशन मैंने अपनी तरफ से ऐड करे, तो अगर इस पे आपके कोई सवाल आएंगे तो मैं अपने लॉजिक से ही जवाब दूंगा. BHW ने तो पता नहीं क्या कहा था, अब तो दुनिया में रहे भी नहीं. ज्यादा सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं. सिंपल सी एक बात दिमाग में लाओ, इग्नोर टैक्सेशन. इग्नोर टैक्सेशन बोलने के बाद भी जो कैश फ्लो बच जाए वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो. इग्नोर टैक्सेशन बोलने के बाद लीज ऑप्शन में कौन कौन से कैश फ्लो बचे, लीज ऑप्शन में कौन कौन से कैश फ्लो होते हैं, चलो ये बात करें. एक लीज रेंट और एक टैक्स बेनिफिट. इग्नोर टैक्सेशन बोला तो लीज ऑप्शन में लीज रेंट का कैश फ्लो तब भी होगा क्या? आप जवाब नहीं देते हो कि आपको समझ में नहीं आता है. इग्नोर टैक्सेशन बोलने के बाद भी लीज रेंट का कैश फ्लो है क्या?
हाँ टैक्स हो चाहे नहीं हो, लीज रेंट तो देना पड़ेगा, इसीलिए वो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट में आपको लीज रेंट नजर आ रहा है 79.92 जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली है। अच्छा लोन ऑप्शन में 5 कैश फ्लो लिखे थे हमने, अगर आपको याद, एक तो इंस्टॉलमेंट का आउटफ्लो, इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, सेल्वेज वैल्यू का इनफ्लो, कैपिटल लॉस के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो। अब मैं इग्नोर टैक्सेशन बोल देता हूं, बताओ लोन ऑप्शन में क्या क्या कैश फ्लो बचे? इंस्टॉलमेंट बचा, ठीक है, और सेल्वेज वैल्यू, फुल स्टॉप, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो वो जो कॉस्ट ऑफ एसेट दिख रही है वो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट है, कैसे अभी मालूम पड़ जाएगा, और सेल्वेज वैल्यू तो आपको नीचे नजर आ ही रही है। इग्नोर टैक्सेशन बोल देने पर जो कैश फ्लो बच जाए वो सब कैसे हैं? फाइनेंसिंग कैश फ्लो, और इसीलिए उनकी डिस्काउंटिंग भी बीएचडब्ल्यू ने सजेस्ट करा, किससे करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि आपने एक तरह से क्या बोल दिया, इग्नोर टैक्सेशन। अब जब टैक्स ही नहीं है तो केडी से क्यों डिस्काउंटिंग करोगे? फिर डिस्काउंटिंग किससे करोगे? इंटरेस्ट रेट से। ऐसा बीएचडब्ल्यू ने नहीं बोला कि इग्नोर टैक्सेशन, ये तो मैंने अपनी तरफ से लॉजिक ऐड करा, उन्होंने तो केवल सोल्यूशन दिया है, और बाकी उनके प्रिंसिपल पढ़ो तो समझ में नहीं आएंगे आपको। अब सर 17% से डिस्काउंटिंग करनी है, तो लीज ऑप्शन की डिस्काउंटिंग हमने 17% से करी, लीज रेंट का आउटफ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 176 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 जो ओरिजिनल है उसके सोल्यूशन में अगर आप लोन इंस्टॉलमेंट देख के मुझे बताएंगे तो अच्छा होगा। है क्या? तो लोन इंस्टॉलमेंट 81.46 है, उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 81.46 इंटू 2.21 कर लो, ₹180 आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि कॉस्ट ऑफ असेट के बराबर आ गया ये तो, इज इट अ कोइंसिडेंस? बेटा 180 लाख को 2.21 से डिवाइड करा था तभी तो 81.46 आया था। देखो सॉल्यूशन में देखो लोन इंस्टॉलमेंट कैसे निकली थी, सॉल्यूशन में देखो कैसे आया था, 180 डिवाइडेड बाय 2.21 करा था तभी तो 81.46 आया था, और 81.46 को फिर से समेट लिया 17% से, तो वो कितना आ गया? 180। अरे सर पर वो तो आउटफ्लो था, आप इसको इनफ्लो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लीज माइनस लोन कर रहे हैं, तो लोन ऑप्शन के सारे कैश फ्लो के साइन पलट जाएंगे, तो जो आउटफ्लो था वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लीज रेंट का तो आउटफ्लो है लेकिन लोन ऑप्शन के कैश फ्लो क्या होंगे? पलट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लीज माइनस लोन। अगर आप असेट लोन पे लेने की जगह लीज पे ले लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी, लॉजिक से चलना है तो इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी, तो ये 180 लाख आपके बचे, मगर लीज रेंट देना पड़ेगा तो 176 लगे। और एक नुकसान ये है असेट पे लीज पे लेने का कि आपको सेल्वेज वैल्यू भी अब नहीं मिलेगी, तो उसका नुकसान कितना? 11.24। सब मिला करके लीज ऑप्शन की कॉस्ट तो ज्यादा ही आ रही है। सुनो लोन ऑप्शन में 180 लाख देते हो तो 11 लाख मिल भी तो जाते हैं। हेलो 81 करके 180 लाख जब देते हो आप तो 11 लाख आखिरी में मिल भी तो जाते हैं। जरा 180 माइनस 11.24 करना, 168 का पड़ता है लोन ऑप्शन, और लीज ऑप्शन कितने का पड़ता है? 176 का। तो सस्ता क्या पड़ा, लीज या लोन? लोन ऑप्शन सस्ता पड़ा, और कितना सस्ता पड़ा? 7.83। ये लॉजिक है, मेथोडिकली आपको अगर याद करना है तो जब आप इग्नोर टैक्सेशन बोलते हैं उसके बाद क्या कैश फ्लो बचता है? लीज रेंट, उसको दिखा दो। लोन इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ऐसा मत लिखो, डायरेक्ट क्या लिख दो? कॉस्ट ऑफ असेट और सेल्वेज वैल्यू, और इनके साइन पलट दो। इंस्टॉलमेंट का आउटफ्लो है तो उसको इनफ्लो बता दो, सेल्वेज वैल्यू का इनफ्लो है तो उसको आउटफ्लो बता दो। तो लोन ऑप्शन से ज्यादा महंगा लीज है, इसलिए यहां पर क्या आ गया? माइनस। और एक लॉजिक के डेप्थ में आपको मैं लेके जाता हूं, पता नहीं वहां से आप वापस बाहर आ पाओगे कि नहीं, कि अंदर ही ऑक्सीजन खत्म होने से डूब के मर जाओगे, आई डोंट नो, बट लेट्स ट्राई, कोशिश तो करें। आपकी डेथ नहीं होगी, लॉजिक की डेथ होगी वैसे भी, डोंट वरी, अगला लॉजिक समझ लेंगे। मैं थोड़ा एडवेंचरस नेचर का ही हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ नए नए एडवेंचर पढ़ाते समय पर भी करूं, उस स्टंट में आपकी कंसेप्ट की जान जाने का खतरा है,
आपके कंसेप्ट के हाथ पैर भी टूट सकते हैं, तो करूं कि रहने दूं? करें, ओके। 81.46 आपको चुकाना है ना हर साल, यस और नो? और इसमें चुकाना है 79.92। तो लेसर बोलेगा पागल, किराए पे ले ले, इंस्टॉलमेंट भरते भरते थक जाएगा, 81.46। देख मैं केवल कितना लेना हूं, 79.92। लीज इज बेटर, आ जा इधर। आप बोलोगे भैया उसमें सॉल्वेज वैल्यू भी मिलती है, और तुम्हारे वाले ऑप्शन में सैलवेज वैल्यू नहीं मिलती है। तो 81.46 माइनस 18 कर लो, 81.46 की इंस्टॉलमेंट दूंगा और 18 की सैलवेज वैल्यू मिलेगी। 81.46 माइनस 18 कर लो तो नेट इंस्टॉलमेंट कितनी गई, 60। क्या मैंने सही करा बेटा? इंस्टॉलमेंट हर साल जा रही है और सैलवेज वैल्यू लास्ट में सिर्फ एक बार मिल रही है, तो सैलवेज वैल्यू को कायदे से मुझे 3 साल पे क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। और सैलवेज वैल्यू चूंकि एंड में आ रही है, या तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं बिगनिंग में ले आऊं जैसे कि यहां पे कर दिया है, और इसको अब एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दूं। जरा 11.24 डिवाइडेड बाय 2. इतनी सी बात ध्यान रखो, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करने से इंस्टॉलमेंट बन जाती है कि नहीं? अरे भैया, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करने से इंस्टॉलमेंट बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना, 180 डिवाइड बाय 2.21 करा था तभी तो 81.46 आया था। तो यहां पे 11.24 डिवाइडेड बाय 2.21 करिए, 5.09। ये किश्तों में मिल रही है सैलवेज वैल्यू, 5.09 इज सेम एज रिसीविंग 18 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 81.46 माइनस 5.09 करिए, 76.37। तो लोन ऑप्शन की इंस्टॉलमेंट पड़ रही है कितनी, 76.37, जबकि लीज ऑप्शन में रेंट कितना जा रहा है, 79.92। तो बताओ फिर सस्ता ऑप्शन कौन सा है, लोन या लीज? लोन। अच्छा हाँ बोलो। हाँ बेटा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट ही है, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एसेट, क्योंकि बीएसडब्ल्यू का फॉर्मेट ऐसा ही है, नंबर इसी से मिलेंगे। अरे मैंने तो समझाया अभी आपको कि ये कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट ही है। आप चाह रहे हो कि यहां पे मैं लिखूं पीवी ऑफ इंस्टॉलमेंट और उसके बाद में 81.46 इंटू 2.21 करूं, ये चाह रहे हो आप? यही चाह रहे हो ना? हाँ, तो हाँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 180 तो आएगा। पर ऐसा लिखो मत, लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो खत्म हो गया था, जहां ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलवा के और मैंने आंसर लिखवा दिया था कि चूंकि लोन ऑप्शन सस्ता है, लीज ऑप्शन महंगा है, इसलिए हमको लोन ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं, कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करते आ गया तो एग्जाम में पूरे नंबर मिलते हैं। फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, कितनी सिंपल बात है, किराए पे लूं कि खरीद लूं? अरे भाई किराया कम है तो किराए पे ले लो, और अगर किश्तें कम है तो लोन लेके खरीद लो। अरे पर ऐसा करने में सैलवेज वैल्यू कैसे इग्नोर कर सकते हो आप? नहीं समझे यार आप, कैसे समझाऊं अब मैं आपको? थोड़ा जब समझ में आए तो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दिया करो, ऐसे मतलब आश्चर्य वाले भाव पे बैठे रहते तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है। सुनो, आपको 1,00,000 रुपए की बाइक खरीदनी है, 5 साल की लाइफ है, 5 साल नहीं चलाना चाहते आप, फिर तो कार चलाओगे? 5 साल बाद कार चलाओगे, बाइक चलाओगे? कार चलनी चाहिए आपको, फिर कार चलाएं। हाँ ठीक, 1,00,000 रुपए की बाइक है, 5 साल के लिए किराए पे मिल रही है, 30,000 रुपए साल का किराया है, और वहीं अगर आप लोन लेके इस बाइक को खरीदोगे तो बैंक 5 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट चुकाने की फैसिलिटी दे रहा है, इंस्टॉलमेंट 32,000 रुपए है। तो बताओ किराए के लोन लेके खरीद लें, इंस्टॉलमेंट 32,000, दोनों 5-5 साल चलते हैं, इंस्टॉलमेंट 32, किराया 30, दोनों 5 साल। इसको मत देखो, मेरी बात सुनो,
क्योंकि जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब आपको वो समझ नहीं आएगी, इसलिए मेरी बात सुनोगे तो ये अपने आप समझ में आएगा। 30,000 किराया बाइक का 5 साल, 32,000 इंस्टॉलमेंट लोन की 5 साल, तो ऑब्वियसली किराए का ऑप्शन सस्ता है। पर किसी ने ध्यान दिलाया कि लोन लेके असेट खरीदेगा तो 5 साल बाद बाइक बेचने को भी मिलेगी और बेच के 40,000 रुपए मिलेंगे, क्या इसको इग्नोर करके सही डिसीजन ले सकता हूं? नहीं ना, इसीलिए हमने उसको क्या कर लिया, कंसिडर। ये फाइनेंसिंग एस्पेक्ट हो गया, इग्नोर टैक्सेशन बोल के। फिर किसी ने बोला अरे नहीं नहीं हाउ कैन यू से इग्नोर टैक्सेशन, टैक्सेशन इज देयर, ओके वी विल कंसिडर इट सेपरेटली, अलग से कंसिडर करेंगे उसको हम। अरे आप खाना खाने बैठे और आपकी मम्मी एक प्लेट में चावल रखे और उसमें दाल डाल दे और उसमें सब्जी डाल दे और उसमें रोटी चूर के डाल दे, बोले खा ले बेटा। हम बोलो मम्मी व्हाट इज दिस, अलग अलग करो। बोले बेटा खाएगा तो भी तो सब मिक्स ही होना है, पीस के दे दे मिक्सर में, बढ़िया घुमा के पेस्ट बना के, पेस्ट बना के एक प्लांट लगा ले घर में, टूथपेस्ट सड़ी की पेस्ट के अंदर डाल दे ये दवा और अंदर। मम्मी बोले बेटा खाएगा तो भी तो पेट में जाके पेस्ट ही बननी है इसकी, तो ऐसे खा ले। नहीं, थाली में तो अलग चाहिए, बाद में सब मिल जाएगा, वो तो मिल ही जाएगा। तो बेटा बाद में तो हम मिला ही रहे इन दोनों को, अल्टीमेटली इन दोनों को मिलाएंगे ना, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग। क्योंकि अलग इसलिए करवा दिया आपने कि मम्मी ऐसा है कि वो जो गिलकी की सब्जी आपने रख दी है उसको तो मैं मुंह में रख के पानी पी के निकल जाऊंगा फटाफट, और जो दूसरी अच्छी चीजें हैं उनको बड़े आराम से चबा चबा के स्वाद लेकर के खाऊंगा। इसको अलग रेट से डिस्काउंट करना पड़ता है और इसको अलग रेट से डिस्काउंट करना पड़ता है, और आप दोनों को मिला दोगे तो दोनों सेम रेट से डिस्काउंट करने पड़ेंगे, फिर गिलकी की सब्जी भी स्वाद ले लेके खानी पड़ेगी। इसलिए BSW ने बोला इग्नोर टैक्सेशन कर दो तो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट सामने आ जाएगा, उसमें लीज कमजोर निकला, महंगा पड़ा। अब ऑपरेटिंग एस्पेक्ट की बात आएगी, लीज इतना बुरा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, माना यह महंगा ऑप्शन है, पर महंगा ऑप्शन टैक्स बेनिफिट भी तो ज्यादा देगा। सोचो 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 सोचो, महंगा ऑप्शन टैक्स बेनिफिट ज्यादा देगा क्या? देखो ये लीज रेंट से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट है, ये इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट, ये डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट, ये कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट, लेकिन इस पे हमने प्लस साइन रखा और इस पे माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लीज माइनस लोन, तो लीज के साइन ओरिजिनल रहेंगे, लोन के साइन पलट जाएंगे। यहां मॉरल ऑफ द स्टोरी आया कि लीज ऑप्शन में नुकसान हुआ, अगर लोन ऑप्शन होता तो टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलता, लीज ऑप्शन में 7.94 टैक्स बेनिफिट कम मिला, 25-10-35 मिलता, 35 की जगह सिर्फ कितना मिला 27, यहां टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिला, यहां लीज ऑप्शन में कंपैरेटिवली टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिला। इसकी डिस्काउंटिंग KO से इसलिए करवा दी क्योंकि इनका कहना है कि टैक्स बेनिफिट मिलना आपके बिजनेस में इनकम होने पर डिपेंड करता है, अगर बिजनेस में इनकम ही नहीं होगी और इनकम टैक्स वैसे ही नहीं लग रहा होगा तो क्या खाक टैक्स बेनिफिट ले लोगे आप, और बिजनेस में इनकम होगी कि नहीं होगी ये बिजनेस रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क है, इसीलिए इसको क्या बोला, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और बिजनेस रिस्क है ये। सर क्या बोला? अरे भाई बिजनेस में टैक्स बेनिफिट तब मिलेगा जब इनकम होगी, इनकम ही नहीं होगा तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो टैक्स बेनिफिट इनकम पर डिपेंड करता है, इनकम बिजनेस पर डिपेंड करती है, तो हियर यू आर फेसिंग बिजनेस रिस्क नॉट द फाइनेंशियल रिस्क, इसीलिए बिजनेस रिस्क के लिए अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट है मान लो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे डिस्काउंटिंग करा तो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट में लीज ऑप्शन थोड़ा सा बेहतर निकला, 2.33 लाख, हालांकि फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा बुरा था तो नेट वो बुरा ही निकला। ये हमने ज्यादा ही एक्सप्लोर कर लिया है, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो इसके ऊपर एक बढ़िया पोंछा मार दो, वाइप आउट, और अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो। सबसे पहले फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एस्पेक्ट होता है, इसमें सारे टैक्स बेनिफिट वाले आइटम को नेट करके KO से डिस्काउंट कर लेते हैं, फिर बचे हुए कैश फ्लो को फाइनेंसिंग एस्पेक्ट बोलते हैं, उसमें पहले कॉस्ट ऑफ एसेट लिखा जाता है,
फिर उसमें से लीज रेंट को माइनस किया जाता है, फिर उसमें से सेल्वेज वैल्यू को माइनस किया जाता है, तो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट आ जाता है। कंसेप्ट की ऐसी तैसी, ये लिख के आऊंगा तो उसको क्या मालूम मेरे को कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है, नंबर तो आएंगे। BHW पूरे हिंदुस्तान के किसी भी बुक में ढूंढ लोगे ना, और किसी भी लीक हुए वीडियो में ढूंढ लोगे आप, उसके अंदर BHW का ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कहीं पर भी, नेवर एवर। हो सकता है मेरी किसी पुरानी बैच के रिकॉर्डिंग में भी ना मिले, क्या आई नेवर प्लान इट, आपकी शक्लें देख करके और मैं उसके बाद में आपका रिस्पॉन्स और रिएक्शन को देख करके और मेरे एक्सप्लेनेशन चलते रहते हैं। मुझे भी नहीं मालूम होता है कि अगले 10 सेकंड बाद में क्या बोलूंगा, इसलिए आप जो मैं बोलूं ध्यान से सुन लें और इसको क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 15 में लिखा है सॉल्व क्वेश्चन 5 बाय BHW। चैप्टर का नाम है लीज फाइनेंस और इसमें हम ले रहे थे अभी तक डिसीजन असेट के यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? असेट के यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेंगे। ये मानो कि अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से, तो आप दो दिन छुट्टी पे चले गए थे या आज ही आए हैं और आप साइकोलॉजिकली ये मान करके बैठे थे कि मुझे नहीं समझ में आएगा, तो वाकई नहीं आ रहा होगा, पर अब अपनी साइकोलॉजी को आप बदलें, अब आपको सब समझ में आने वाला है। देखो यहां पर मेरे पास वो है नहीं हिप्नोटाइज करने वाला, लुक हियर, ध्यान से इस माइक को देखना, मुझे सब समझ में आने वाला है। बोलो, आपको सब समझ में आने वाला है। ओके गुड, मुझे भी आ जाएगा साथ साथ में। लिखो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, लेसर मतलब बेसिकली एक लीजिंग कंपनी की बात कर रहे हैं हम, एक कंपनी जिसका फुल टाइम बिजनेस है लोगों को असेट्स किराए पर देना। क्या मजा आता है असेट किराए पर देने में, दे मेक मनी बाय दिस। असेट खरीदते कम में हैं और किराया इस तरह से लेते हैं कि असेट की कॉस्ट भी रिकवर हो जाती है और उसके ऊपर डिजायर्ड रिटर्न भी मिल जाता है, फुल टाइम बिजनेस है। वैसे अगर आप अपने देश में फाइनेंस लीज के एग्जाम्पल ढूंढने जाओ रेयरली मिलेंगे, आपके आसपास जितने एग्जाम्पल हैं सब ऑपरेटिंग लीज के। आपका हॉस्टल का कमरा ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस? पूरी लाइफ के लिए किराए पे लिया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और टैक्सी फॉर श्योर, ओला कैब, ऑटो रिक्शा ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस? आपने कोई फाइनेंस लीज एग्रीमेंट कराओ तो जरा बताओ, रेज योर हैंड। या आपके ऑफिस में आपने किसी क्लाइंट का ऑडिट करा हो और उसकी बुक्स में आपने फाइनेंस लीज देखा हो तो बताओ। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं देखा होगा, मैं तो जानना चाह रहा हूं कि आपने देखा है क्या, बताइए, रेज योर हैंड। अपने सराउंडिंग में आपने कोई फाइनेंस लीज का एग्जाम्पल देखा हो जहां असेट सब्सटेंशियल लाइफ के लिए किराए पे दी गई, किराया इस तरह से रिकवर किया गया कि कॉस्ट ऑफ असेट पूरी रिकवर हो जाए और ऊपर से डिजायर्ड रिटर्न भी मिल जाए? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड इट? नेवर। अपने हिंदुस्तान में फाइनेंस लीज का चलन ही कम है क्योंकि यहां ऑनरशिप से जो फीलिंग आती है, मतलब इमोशनल मुद्दा होता है कि किराए के एसेट पे काम चलाना तो ये सब बहुत ही बेकार काम हो गया, और ऑनरशिप के साथ में अपने इमोशंस उस चीज से जुड़ जाते हैं जो किराए की चीज के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में कार्स
फाइनेंस लीज पर लेना बहुत आम बात है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट बाय देयर कार रेदर देन दे टेक इट ऑन लीज. पूरे दुनिया भर में फाइनेंस लीज का बड़ा एग्जाम्पल, वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है वो व्हीकल्स का होता है. दूसरा एग्जाम्पल एयरप्लेन्स का होता है, बोइंग प्लेन्स या जो भी प्लेन्स हैं उनका, वो भी लीज पर लिए जाते हैं, ऐसा चलन है. हाँ, सीमेंट फैक्ट्री में कैप्सूल, कैप्सूल किस चीज का? हाँ, वो क्या करते हैं? फाइनेंस लीज पे लेते हैं. नहीं, ड्रग कैप्सूल मतलब कोई केमिकल की बात कर रहे हो आप? अच्छा, ट्रक, ट्रक बोला है आपने. ओके, वो जो मुझे ड्रग सुनाई दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया इसे. हाँ, वो कैप्सूल की शेप वाला जो ट्रक होता है वो लोग लीज पे लेते हैं, फाइनेंस लीज पे लेते हैं वो खुद खरीदने के बजाय. ओके, तो मैं वही सोच रहा था कि ड्रग का क्या काम हो गया वहां पे. धीरे धीरे अपने देश में भी चलन बढ़ रहा है. देखो, फाइनेंस लीज पे लेने में ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बीच में आपको असेट पसंद नहीं आ रही है तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे के एग्रीमेंट को आप टर्मिनेट कर सकते हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली ऑनर नहीं हो, तेरी चीजें रख भैया मेरे को नहीं चाहिए करके. काफी कम एग्जाम्पल आपको लीज के देखने को मिलेंगे. इकोनॉमिक टाइम्स रोज भी पढ़ोगे ना आप, तो दो चार महीने में भी एक आध खबर मुश्किल से आपको मिलेगी कि कोई बड़ा लीज एग्रीमेंट कॉर्पोरेट्स के बीच में कहीं पर हुआ हो. मुश्किल से ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं. पर फिर भी लीजिंग एक बिजनेस है, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा वो एक कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन होगा. कैसा क्वेश्चन? आपको अगर याद हो तो एक फाइनेंस मैनेजर को तीन तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ऐसा आईपीसीसी थ्योरी में कभी पढ़ा हो? मतलब अगर आप आईपीसीसी से फाइनल में आए हैं तो डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी है क्या कोई, एमकॉम करके सीधे सीए फाइनल? बीकॉम वाले को सीधे आईपीसीसी में एंट्री मिल रही है ना, तो कोई है? तो आप में कितने बच्चे आईपीसीसी के बिना फाइनल में आए? एक भी नहीं, बताओ. तो फिर आईपीसीसी में कभी ऐसा पढ़ा है आपने कि तीन तरह के डिसीजन एक फाइनेंस मैनेजर लेता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एक कैपिटल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट, पैसा कहां लगाऊं, फाइनेंसिंग पैसा कहां से लाऊं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन. ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये फाइनेंसिंग डिसीजन था, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस बैंक है. अगर आप असेट लीज पे ले रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस लेसर है. तो बेसिकली ये आप फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे थे, इट वाज नॉट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. लेकिन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि मैं असेट खरीदूं या ना खरीदूं. खरीदूंगा तो आउटफ्लो होगा, लेकिन बाद में किराए का हर साल क्या होगा, इनफ्लो. आखिरी में सेल्वेज वैल्यू का क्या होगा, इनफ्लो. तो अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रपोजल एक्सेप्ट, और अगर नेगेटिव है तो प्रपोजल रिजेक्ट. लिखिए अपनी कॉपी में. फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज फॉर अ लेसर. नंबर वन, आउटफ्लो. Of cost of asset. क्या asset खरीदने का outflow होगा lesser के लिए? दूसरा, inflow. Inflow of lease rents.
ये आउटफ्लो तो वन टाइम आइटम था, लेकिन ये इनफ्लो रेकरिंग है या वन टाइम है? फिर उसके बाद में तीसरा आप लिखें, इनफ्लो ऑफ सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू का इनफ्लो तो लेसी को होगा ना, लेसर को होगा, पर अभी तो हमने लिया ना सेल्वेज वैल्यू, वो लोन ऑप्शन में लिया, लीज ऑप्शन में नहीं लिया। फिर इसके बाद में एक लाइन चेंज करें, एक लाइन छोड़ दें और फिर पॉइंट नंबर फोर लिखें। पॉइंट नंबर फोर में आप लिखें आउटफ्लो ऑफ इनकम टैक्स ऑन लीज रेंट। आउटफ्लो ऑफ इनकम टैक्स ऑन लीज रेंट। क्योंकि लीज रेंट आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर फाइव लिखें, इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट। गेस व्हाट, राइट, टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। नंबर सिक्स, कैश फ्लो। Of tax on capital gain oblique loss, tax on capital gain oblique loss। लाइन छोड़ के इसलिए लिखवाया कि ये बाद वाले तीन कैश फ्लो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अगर किसी क्वेश्चन में इनकम टैक्स ना हो तो ये तीन कैश फ्लो गायब हो जाएंगे, सिर्फ पहले तीन ही फेस करना पड़ेंगे। इन सारे कैश फ्लोज के डिस्काउंटिंग लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, ऑल द अबव कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड विथ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द लेसर, डिस्काउंटेड विद डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द लेसर। And if NPV is positive, then lesser will accept the proposal. And if NPV is positive, then lesser will accept the proposal. पर क्वेश्चन अक्सर ही ऐसे नहीं आते हैं, क्वेश्चन उल्टा पूछते हैं कि बताओ क्या लीज रेंट चार्ज करें जिससे प्रपोजल एक्सेप्टेबल हो जाए। क्या आप जानते हैं कि जीरो एनपीवी पर भी प्रपोजल एक्सेप्टेबल होता है? कितने बच्चों को ये बात नहीं बताए कि जीरो एनपीवी पे भला कैसे प्रपोजल एक्सेप्ट होगा? प्रपोजल तो सिर्फ पॉजिटिव एनपीवी पे एक्सेप्ट होता है और जीरो और निगेटिव रिजेक्ट होता है। क्या जीरो एनपीवी पे प्रपोजल एक्सेप्ट होता है? क्योंकि जीरो एनपीवी का मतलब जीरो प्रॉफिट नहीं होता है, जीरो एनपीवी का मतलब जीरो सरप्लस होता है। एनपीवी जीरो है मतलब आप डिजायर्ड रिटर्न कमा रहे हैं, हालांकि ऊपर से सरप्लस कुछ नहीं मिल रहा है। और एनपीवी पॉजिटिव है मतलब डिजायर्ड रिटर्न भी कमा लिया और ऊपर से सरप्लस भी मिल गया। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कितना लीज रेंट चार्ज करें जिससे प्रपोजल एक्सेप्टेबल हो जाए, तो हम एनपीवी को सेट कर देंगे जीरो और लीज रेंट को मान लेंगे एक्स
और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ये मिनिमम लीज रेंट है जिसपे प्रपोजल एक्सेप्टेबल है, लेसर चाहे तो इससे ज्यादा लीज रेंट चार्ज कर सकता है। हाँ इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन कैसे? असेट का ऑनर लेसर है, लेसी तो सिर्फ किराए पे उस एसेट को यूज कर रहा है, ऑनरशिप लेसर के पास है तो डेप्रिसिएशन लेसर क्लेम करेगा और इसलिए उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ओके एक बहुत क्विक क्वेश्चन हम करते हैं इस पर, 5 मिनट में भी नहीं 3 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, You are the manager of a leasing company. Your customer approaches you for a leasing a plastic block manufacturing machine. मैं आपको शायद 2 दिन पहले ही बोल रहा था कि I don't want you prepare just for the examination, but I want to prepare you for life. I was saying कि I'll be more than happy अगर मेरी सिखाई हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक काम आए। और ऐसे फ्रीक्वेंटली मुझे मैसेज आते हैं, कल भी फेसबुक पे एक बच्चे का मैसेज आया, बच्चा नहीं अब तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा खासा जॉब कर रहा है, एंड ही सेड सर द कंसेप्ट आई लर्न इन द क्लास आई एम एबल टू अप्लाई इट एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड हैप्पी। सो आपके एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे वो तो बाय प्रोडक्ट है, आ जाएंगे, मतलब आप आओगे रिजल्ट के टाइम पे, सर 80 आए, 85 आए, 70 आए, पिछले रिजल्ट में भी ज़्यादा हो गए, हिसाब से लगा लेते हैं। चलो पिछले रिजल्ट में 200 से ज़्यादा बच्चों के, अब वो पता नहीं कौन कौन सी बैच के रहे होंगे, मुझे भी नहीं मालूम, मोर देन 60 मार्क्स आए। ये वही बच्चे हैं जो रिपोर्ट करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि आई गॉट सो मेनी मार्क्स। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने सेंटर पे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, लेकिन फिर वो कांटेक्ट में ही नहीं होते, उनके बारे में तो कुछ पता नहीं। बट मोर देन 200 स्टूडेंट स्कोर्ड 60 एंड अबव, और 70 एंड अबव वालों का नंबर भूल गया मैं, कितने लिखे हैं मुझे भी नहीं याद, इसमें नोट्स भी छपा है शायद, रुको याददाश्त कमजोर है तो मैंने यहाँ से देखूंगा। मोर देन 35 स्टूडेंट्स गॉट 70 एंड अबव, नाउ दैट इज कमांडेबल, 70 और 70 से ऊपर नंबर लाना और 35 बच्चों के वो नंबर आए, दैट इज समथिंग रियली गुड। और 80 में स्कोर करने वाले 3 बच्चे थे, 81 वाले 2 और एक 82। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, ये मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने साल से नाटा प्रोफेशनल एकेडमी से SFM में हाईएस्ट मार्क्स हैं, ये सिर्फ जमाने को बताने के लिए, बैनर पोस्टर और छापने के लिए, बट मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेरा सेटिस्फेक्शन इस बात में है कि आप सीखें और आप मुझे जल्दी ना भूल जाएं। 2 तरीके से मैं आपको याद रहूंगा, एक तो इसलिए याद रहूंगा कि आप सीखेंगे और आप उसको अप्लाई कर पाएंगे तो 10 ईयर्स डाउन द लाइन भी आप मुझे नहीं भूलेंगे, और दूसरा मैं आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रखूंगा जो आपको बुरा लगेगा, है ना, लगेगा ना, हाँ बोलो, नालायक को हाँ बोल रहे हो, देख लूंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग हमेशा ही बुरा लगता है कोई भी आपको डिसिप्लिन में रखे, चाहे वो मम्मी पापा ही क्यों ना हो आपके, उस समय तो एक बार के लिए तो बुरा लगता ही है, नहीं जाना मना कर दिया ना, बहुत ही दादागिरी है, हम छोटे हैं इसका ये मतलब, उस समय को एक बार को बुरा लगता है, पर मम्मी पापा आपका कितना अच्छा कर रहे हैं ये आज से 20 साल बाद आपको समझ में आएगा जब आप अपने बच्चों को वो करने के लिए मना कर रहे होंगे। सच में सर बहुत तकलीफ में होंगे तब आप, सच में अच में कुछ नहीं है। तो बेटा थोड़ा बुरा लगे आपको डिसिप्लिन के मैटर में तो लगा लेना, कोई बात नहीं, बट उससे अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म में फायदा है। लो क्वेश्चन तो अब रह गया,
क्वेश्चन कल कर लेंगे आप, ठीक है, थैंक यू।